चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग। तो फिर हमें इसे इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचाना पड़ेगा। ये जो रूट एक्स है ये तीनों के नीचे हम लोग अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इसको हमने जो स्क्वायर रूट एक्स था वो तीनों न्यूमरेटर के तीनों टर्म के डिनोमिनेटर के नीचे हमने कर दिया, ठीक है, न्यूमरेटर के नीचे कर दिया, खैर। और ये dx हो गया। अब यहाँ से एक्सपोनेंट आप लगाओगे, यहाँ देखिए ये रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म को आप किस में कन्वर्ट करिए, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो रूट को हम क्या लिखते हैं, पावर 1/2, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। तो इस रूट को भी हटा के हम क्या लिख देंगे, पावर 1/2। इस रूट को भी हटा के क्या लिख देंगे हम लोग, पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि x की पावर a अपॉन x की पावर b को हम क्या लिखते हैं, x की पावर a माइनस बी, मतलब आपका ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस हाफ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पावर 1 है तो ये हो जाएगा 3x की पावर 1 माइनस हाफ, और ये चूंकि यहाँ ये ऊपर जाके सिर्फ निगेटिव पावर हो जाएगा तो 4x की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। अभी तक आपने इंटीग्रेशन नहीं किया है, आप सिर्फ अपने स्ट्रक्चर को या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एडजस्ट कर रहे हो, या यूं कहिए ये एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये 3 माइनस हाफ ये कितना आएगा, 5/2 आ जाएगा आपका, ये सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से 1 माइनस हाफ ये हाफ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए ये लीनियर जो आपका इंटीग्रेशन होता है ये लीनियर ऑपरेटर होता है, ये तीनों पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। इसका मतलब x की पावर 5/2 dx प्लस कांस्टेंट बाहर कर ले रहे हैं, x की पावर हाफ dx एंड 4 इज अ कांस्टेंट दैट आल्सो कम्स आउट टू बी आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल, x की पावर माइनस हाफ dx हो गया। अब देखिए आपकी जिसकी तलाश थी जिस स्टेप की, कि इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंच जाए, ये इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंच चुका है। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला प्लेस करना है, सूटेबल फॉर्मूला जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, कि यहाँ x की पावर n का इंटीग्रेशन है ना, जहाँ n क्या है, 5/2 है, यहाँ भी x की पावर n का ही फॉर्मूला लगेगा, जहाँ n हाफ है और यहाँ भी x की पावर n का ही फॉर्मूला प्लेस होगा जहाँ n की वैल्यू माइनस हाफ है। तो तीनों ही जगह पे फॉर्मूला सेम है, n की वैल्यू अलग अलग होती चली गई है। तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 1 है ना अपॉन 5/2 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस, ठीक है, 3 x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 4 x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारे चीज़ें आप जो फ्रैक्शंस है ये सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 7/2 आ जाएगा। तो ये हटा के हम यहाँ पे 7/2 लिख रहे हैं, तो ये भी 7/2 हो जाएगा डिनोमिनेटर भी, लेकिन 7/2 का मतलब 7 नीचे और 2 आपका ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा, तो ये 3/2 लिखिए, यहाँ भी 3/2 हो जाएगा फिर, तो 3 नीचे और 2 ऊपर लिखिए, ठीक है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये भी नहीं लिखना है, तो सिर्फ आपका आ गया यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप माइनस हाफ प्लस 1, तो ये प्लस का हाफ बचा है यहाँ पे, प्लस का हाफ, नीचे भी हाफ होगा तो वो हाफ का जो 1/2 है 2 ऊपर आएगा और ये 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा, 8 कर देगा, ठीक है। और प्लस फाइनली क्या बच गया आपका, एक इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया।